पेपर इतना गंदा गया, पूरी एनसीईआरटी रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पूरी एनसीईआरटी पूरी एग्जाम आईडिया रटी सारे से। आज हम टॉपर्स के इंटरव्यूज देख रहे हैं, टॉपर्स के। सीबीएसई 10वीं के नतीजे आज घोषित हो गए हैं और 499 नंबर पाने वालों में मौजूद है और खुशी का माहौल है, परिवार है यहाँ पर साथ में सिद्धांत का और उनकी प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि। खुशी खुशी झलक रही है देखो फैमिली पे, इसका बोर्ड आने वाले 2 साल में, इसकी आंखों में है खौफ और दर्द कि भाई भाई ने कर दिया है टॉप। ओह माय पापा की आंखों में फ्यूचर आईआईटीएन नजर आता हुआ। मम्मी इज द ओनली वन हुज हैप्पी, मम्मी इज अलोन हुज हैप्पी, आई लाइक इट। सिद्धांत आपको बहुत बहुत बधाइयां, 499 आप देखना। आज मेरा दिन है, यू आर डैम राइट, आज मेरा दिन है। 499 मार्क्स, क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट दैट कि जितना मटेरियल आ सकता था उतना लाया मैं, ज्यादा नहीं करा था मैंने। ही इज सो स्मग, ही इज लाइक टॉप तो मैं करने ही वाला था। एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया तो इट्स सो टिपिकल, एक मार्क रह गया उसका, 499 ऑन 500 एंड द सैडनेस इन हिज आईज फॉर दैट वन मार्क, आंखों में बस सैडनेस देखो आप। इसका क्या दुख है आपको या खुशी है अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि ऑफ कोर्स दुख है, इसका दुख है आपको ऑफ कोर्स। ये 7 साल तक सोएगा नहीं है इंसान, 7 साल बाद भी सो रहा होगा नींद में, वन मार्क इंग्लिश था। अच्छा, पढ़ाई करने का जो रूटीन है वो, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी है, उनको कुछ रूटीन? She just said, you know, पढ़ाई कर दूसरे बच्चे भी करते हैं, आपकी बहन भी है, कट टू बहन। This was the difference between me and my friends, कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, I used to play every day 2 hours. मैं रोज 2 घंटा खेलता था, मेरे एक्चुअली आप जानते नहीं हो मेरे दिन में 42 घंटे होते थे, तुम सबके पास 24 घंटे है ना, मैं स्पेशल हूं इसलिए पढ़ाई भी करता था, मैं खेलता भी था, मैं सिंगिंग और डांसिंग भी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। चिन्नी मतलब लेना था, मम्मी पापा बोलते थे ज्यादा टेंशन ले रहा है, ज्यादा टेंशन ले रहा है, लेकिन जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन खेलो जरूर, टीवी भी देखो, सब करो। दिस इज नॉट ट्रू, ये बोल रहा है कि मम्मी पापा बोलते थे कि ज्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई तो करो पर खेलो। डज दिस सीम लाइक द फादर हु वुड से नहीं नहीं जाके खेलो बेटा, खेलो ना क्यों नहीं, दैट इट्स सार्केज्म गाइस, ही इज नॉट सेइंग खेलो, नहीं नहीं सब क्रिकेट भी खेलो, पबजी भी खेलो, गैम्बलिंग करो ना, सीधा गैम्बलिंग ही में घुस। बहुत आराम से काम लिए अपनी बातें बता रहे, बट कैसे स्टूडेंट रहे हैं शुरू से? आई थिंक ही इज बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड एन ऑलराउंडर, the good thing is that he's been into so many sports and he was captain of the volleyball team, he's played basketball, squash. ये कौन बच्चा है यार, ये क्या सुपरमैन, ये क्या है, बास्केटबॉल, स्क्वॉश, हेड ऑफ वॉलीबॉल टीम। रिजल्ट सबसे पहले आपने देखा ऑनलाइन, आपने देखा? बिल्कुल, और व्हेन यू नो, क्यों मॉम ने देखा रिजल्ट पहले, क्योंकि ये वॉलीबॉल और बास्केटबॉल दोनों साथ में खेल रहा था ना, वॉलीबॉल बास्केटबॉल और सिंगिंग क्लासेस साथ में चल रहे थे इसके, बिजी था इसलिए मैंने देखा था। I was seen at कि तो मुझे लगा कि नहीं शायद ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हर एक में 100 100 100 लिखा हुआ था, तो I called my husband कि देखो कुछ तो आया है बट शायद रिजल्ट नहीं आया है। I'm sure the part of her, one small part, it's 99% proud, 99% so proud of my son, 99% love him, genius boy, 1% where did it go, one mark. आपको विश्वास, यह हाथ पीछे रखा है क्योंकि इंग्लिश का गुस्सा अब तक है और कभी चमट पड़ सकती है। हाथ हुआ था जब आपने सुना कि 100 100 100 और बीच में एक 99। It was back of my mind that he can do better but 499. Did you actually say that? दीदी मैं कब से जोक मार रहा हूं, मैं तो जोक मार रहा हूं,
कि इंडियन माँ बाप बहुत प्रेशर डालते. I'm gonna see it again. I can't believe this. I can't believe he actually said it. 100 or beach make 99. It was back of my mind that he can do better, but. The kid right now, मारो मुझे, मार मुझे, मारो मारो मुझे. 500 पे. आगे अब क्या प्लान है? अभी तो आपको 12वीं की तैयारी करनी है, लेकिन क्या सब्जेक्ट आप? ऑलरेडी 12वीं की तैयारी बहन चोद. अभी 10वीं पास होने का इंटरव्यू चल रहा है. अभी 10वीं पास, अभी 10 मिनट हुआ यार. अभी तो कॉमर्स विद मैथ्स आई हैव चोजन द स्ट्रीम. मेरा ऐसा तो कुछ सेट नहीं है. एफ इन चेक गाइस, कॉमर्स लिया इसने. 499 आउट ऑफ 500 आने के बाद कॉमर्स लिया इसने. मेरा बाप होता तो मुझे चमाट मारता, बोलता टेक साइंस. जिन्होंने सीपीसी में स्टॉप किया है, इस मैदान को हमारे साथ है. तो आइए जानते हैं उन्होंने कैसे तैयारी की थी. आपने भी टॉप किया है तो आपको कैसा फील है? ओह माय गॉड, ही लुक्स लाइक ही इज सीइंग अ ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स. ही हैज द सेम लाइक. वेलकम. बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश. तो आपने तैयारी? He can't add. He doesn't know. He doesn't know. He doesn't know how to feel. इतना मेहनत किया इसने कि मिल गया उसे. उसे पता नहीं क्या बोले. उसकी आंखें, उसकी आंखें फॉलो कर. बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश. इट्स सो स्वीट. ही इज ओवरवेल्म्ड. जस्ट ही इज ओवरवेल्म्ड. बहुत 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 एक्साइटेड. आपका एक मार्क कटा है. कौन से सब्जेक्ट में आपका एक मार्क कटा है? साइंस में. द डुक इन हिज वॉइस. ये इंटरव्यूअर हराम ज्यादा बच्चे. ये हराम ज्यादा है. उसको दिख रहा है कि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा इमोशन. ही नोज, फिर भी वो आपका एक, आपका आपका एक मार्क कटा है. थप्पड़ मारूंगा तुझ पे. क्यों 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 याद दिला रहा है? उसे देख नहीं रहा है. इसका चेहरा देख. लुक एट दिस फेस. Why would you remind this face that he is still inadequate? मारो बहन चोद इसको. कौन से सब्जेक्ट में आपका एक मार्क कटा है? साइंस में. तो अब कैसा लग रहा है आपका एक मार्क? देख आपको कैसा लग रहा है. आपको एक मार्क गया है ना तेरा? हाँ, एक मार्क गया है ना तेरी, तेरी चली ना. हाँ, यू नो इवन इन दिस इंटरव्यू ही इज नॉट रिलैक्स्ड. उसके हाथ देखना ऐसे पीछे ऐसे. एजुकेशन सिस्टम आपको मेटाफोरिकली बांध देता है. अराउंड 4 आवर्स डेली. फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट मैथ्स. मैथ्स में अभी आपको मार्क्स पता लग गए किसके? हां, मैथ्स 100. सारे बच्चे एडमिशन लेने. इसकी सांस ही नहीं रुक रही है. शी इज जस्ट अ कांस्टेंट यूफोरिक हाई. एक जहां पे इसने एक साल से सांस लिया नहीं है और एक यहाँ पे सांस रुक नहीं जा रही. 100. सारे बच्चे ले गए. 100. शी लुक्स लाइक राधिका आप्टे. शी लुक्स लाइक इफ राधिका आप्टे वॉज बीटन विथ अ टेक्स्ट बुक, लाइक जस्ट हैमर्ड विथ मैथ्स. शी लुक्स राधिका आप्टे प्लस मैथ्स इक्वल्स टू दिस. सीबीएसई बोर्ड के. ओके कृष्ण कुमार. आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेश है. परमेश, कैसा कैसा पेपर था? पेपर वॉज इजी. ओ माई गॉड, आ गया. मैं वॉज आ गया. हर क्लास का हराम ज्यादा आ गया. ये हराम ज्यादा जो भारत है. इजी पेपर था ब्रोज. परमेश परमेश परमेश, क्लास में ना स्कूल में दो टाइप के बच्चे होते थे. ओके एक थे जो इस टाइप के इसको देखना इसकी कॉलर देखना. ये कॉलर देख रहा है. प्रॉपर स्टूडेंट यहां तक ऐसे सब कुछ सारे बटन बंधे हुए रहते. हाथ आगे ऐसे. ये एक टाइप की स्टूडेंट जिनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस है ही नहीं. बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है. सब कुछ बंधा हुआ है. और एक होते हैं हरामजादे. इसको देखो इसकी गांड फट रही है कि अगला सवाल क्या होगा. और ये बैकग्राउंड में कोई बंदिया तो नहीं देख रही है शो.
इसका कॉलर देख, यहाँ पे बटन खुला, ये टाई आधा, ये ऐसे ऐसे फोल्ड किए हुए पॉकेट में हाथ है, सबसे पहला सुट्टा यही मारता है क्लास में, सबसे पहला गांजा का ट्रिप यही यही जुगाड़ करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमेश है। परमेश कैसा आ गया? मेरा नाम परमेश है। ओके, तो कैसे क्या कैसे शुरू करा पूरा एग्जाम, किस तरीके से तैयारी की? मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि पहले मैं सेक्शन बी करूं, फिर सी करूं, उसके बाद जो जो 20 मार्क्स थे, जो 1 मार्क्स थे एक्चुअली सेक्शन 1, वो सबसे एंड में करूं। मेरा इसलिए पेपर हाफ एन आवर पहले हो गया था। ओह माय गॉड, ये फेल होने वाला है, ये फेल होगा। मेरा हाफ एन आवर पहले ही हो गया था, मैं तो बोल ही रहा हूँ ब्रो। अच्छा, ओके। स्वैग है, स्वैग है ये बंदा, ये वही बंदा है जो एग्जाम हॉल में टिकटॉक बनाएगा। आप लोगों ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, आप लोगों ने कैसे ये देख, जस्ट लुक एट हिम, क्या नाम है आपका? ऋषिका। कौन सा सेट था आपका? थ्री। हाँ, तो कैसा था आपका सेट? इट वाज मोर इजीियर देन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज़ जब साइंस का पेपर होता है हम सब सोचते हैं बहुत टफ होगा। अच्छा, पूरा सिलेबस से था और थोड़ा सा लेंथी, अगर यू नो कि हाउ मच अ स्टूडेंट गिव्स अ फक बेस्ड ऑन हाउ लो हिज टाई इज, जितना टाई नीचे है उतना स्टूडेंट को झाटे से फर्क नहीं पड़ता है किसी की चीज के बारे में। आपका नाम क्या है? विनीत। विनीत, कैसा था एग्जाम? एग्जाम वाज इजी। एंड कौन सा सेट था? सेट 2। ड्रेको मैल्फॉय था। और कैसे इस हॉगवर्ट्स का ड्रेको मैल्फॉय है ये? नहीं, ये स्लिदरिन से नहीं है, ये 100% स्लिदरिन से ये लड़का। सेट 2 में दैट द क्वेश्चन वाज नॉट लेंथी एंड नॉट ट्रिकी, द डायरेक्ट क्वेश्चंस वर केम फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द क्वेश्चन वाज इजी एज वी डन इन प्री बोर्ड एंड सैंपल पेपर्स, सो आई हैव एबल टू कंप्लीट माय एग्जाम इन। इट्स लाइक इंटरव्यूइंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, लाइक अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एग्जाम दे तो ऐसे ही होगा, या बॉयज दे डिड दे पे सॉल्व पेपर। क्या नाम है आपका? प्रेरणा। कैसा कौन सा सेट था आपका? सेट वन। तो क्या कितना आसान था ये, कितना मुश्किल था, क्या कहेंगे? एक्चुअली वो प्रैक्टिकल स्किल्स पे बेस्ड था, सो आई विल से कि यू नो इट्स इजी टू स्कोर 70+, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द चाइल्ड एक्चुअली स्टडीड और गो थ्रू दी, हाउ मच द चाइल्ड एक्चुअली वेंट थ्रू। मैडम आप ही तो हो वो चाइल्ड, इसको लगता है कि एग्जाम देने के बाद ये टीचर बन गई है। यू नो डिपेंड्स ऑन हाउ मच द चाइल्ड हैज स्टडीड, डिपेंड्स ऑन द फोकस एंड द इंटेंसिटी विथ विच द चाइल्ड गिवन अ नरिशिंग एटमोस्फियर इज एबल टू चैनल। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जा रहा था या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जा रहा था? हरमाइनी आ गई, हरमाइनी ड्रैको था, अभी हरमाइनी आ गई। लगा आपको ये, मतलब मैंने तो डायग्राम और थ्योरी दोनों लिखे ताकि अगर डायग्राम भी गलत हो तो थ्योरी में मार्क्स मिल जाए। हरमाइनी, दिस इज हरमाइनी, डायग्राम थ्योरी दोनों कर दिए मैंने, मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर दिया, मैंने एक्चुअली खुद का क्वेश्चन पेपर लाया था, मैंने वो भी सॉल्व कर दिया, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। क्या नाम है आपका? विनीत। नेविल लॉन्ग बॉटम आ चुके हैं। सेट था? माय सेट वाज 3। 3 सेट 3 वाला। I love this guy already. I love him. Some of the questions were application based. Okay. So the person who has a very good of sense of humor, so he can definitely tackle the questions easily. Okay. Sense of humor? Did he say sense of humor? Why? Joke लिख रहा है कोई? Sense, he said sense of humor. मैं solve कर सकता हूँ. Cut to CBSE topper Johnny Lever ने top किया है. CBSE के एग्जाम्स, जॉन सारे बच्चे ये कौन है बैच जॉन लीवर। तो ये थे हमारे साथ सेट 3 के एक स्टूडेंट जिन्होंने सेट 3 का क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसने बोला कि मैंने सही जवाब दे दी, इस सेट तो के खड़ा हो गया। देखो ये थे हमारे साथ सेट 3 के एक स्टूडेंट जिन्होंने सेट 3 का क्वेश्चन अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट किया, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा। व्हाट्स योर नेम? आनंद। राशिका। अंकित। नितिन। ऋषभ। कुणाल। नकुल। शिवम। सब लोग ऐसे आगे आके, कुणाल, नितेश, शिवम, राहुल। पेपर कैसा था? बहुत मुश्किल। अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये हराम ज्यादा दोस्त।
बहुत आसान, बहुत फनी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। इसकी फट चुकी, इसका स्वेटर उतर गया ना, देखो ना, इसने स्वेटर उतार दी, मतलब फ्रस्ट्रेशन में वो एग्जाम दे रहा था, भैया आज तो गांड ही लग गई, स्वेटर उतारना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत ज्यादा बढ़िया। हर ग्रुप में दो हरामजादे बच्चे होते, अरे तेरे मुश्किल है मिलने तो बहुत ही जीता रे। पेपर इतना गंदा आ गया, पूरी एनसीईआरटी रट के गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पूरी एनसीईआरटी पूरी एग्जाम आईडिया रटी, सारे सैंपल पेपर गए, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया। ये गलत क्लासरूम में बैठ गया लगता है इसके। कुछ भी नहीं है मतलब, मैं इतना सब कुछ करके गया था भाई, मैंने मतलब पेपर भी खरीद लिए थे मैच, फिर भी नहीं आया, गलत क्लासरूम में बिठा दिया था मुझे मैच। पूरे साल करी थी पर इतना टफ पेपर साल में। दिस किड इज टू फनी, लुक एट हिम, लुक एट हिम। कितनी पढ़ाई की थी, कितनी पढ़ाई की थी पूछा उसने, पूरे साल करी थी, पूरे साल करी थी, पेपर साल पूरे साल करी थी। इसके इफ इफ द फ्रेज लड़े लग गए नीड अ फेस, इट इज दिस गाय। 50-60, 50-60 अराउंड 60 तक। इतने इसने इसने इतने ओपनली झूठ बोला ना अभी, ये सब लोग उस, ये सब लोग उसे देख रहे कि बैंचोत क्या बोल रहा है तू, सबको पता है फेल होने वाला है, पर इसको ही पता है यूट्यूब पे आएगा ये, आ जाएंगे 40-50। नेक्स्ट पेपर किसका है? दैट किड छोड़ना यार, क्या पूछ रहा है यार, किस्मत की गांड लग गई यहाँ पे तो बैठ के सवाल पूछ रहा है, हाँ आ जाएंगे 40-50 मैच। देखेंगे अभी वीडियो 9th क्लास के, उनके लिए कुछ टिप्स की साइंस कैसे पढ़नी चाहिए, दिल लगा के पढ़ो, रटना नहीं है समझ के करो सभी, यार मेरी बात बोल दी यार। हाँ ऐसी समझ में है पूरा, अच्छी इसकी बात सभी होगा। That was too sweet. वो जो लौंडा गया ना, अरे छोड़ना यार उसके लिए लाइक ठोको, क्या एपिक लौंडा यार वो, ओह मुझे इश्क हो गया उस लौंडे से। बट मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ, आज हमने जो स्टूडेंट्स वगैरह के इंटरव्यूज देखे और उनका उनके ऊपर काफ़ी जोक्स मारे हमने, बहुत हंसी मजाक कर ली हमने, बट आई मस्ट से दिस इज ऑल सपोज टू बी जस्ट फॉर फन। हम सब लोग इन जो टॉपर्स पे हंसते हैं क्योंकि बनना तो हमें टॉपर, अंदर से हमें टॉपर बनना है, किसको सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए, पर हम बन नहीं सकते तो जो टॉपर बनते उनका मजाक उड़ा के हम इक्वल फील करते हैं, दैट्स ऑल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु टॉप्ड इन द प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु इज गोना गिव एग्जाम सून। स्टूडेंट रिलेटेड कॉन्टेंट और बनाएंगे, आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छी वॉचिंग आ गई, सब कुछ सही हो गया, एंड सी यू गाइस।